अरे ये तो बस शुरुआत है शिंदे साहब, आगे आगे देखिए इस शहर से कैसे सारी गंदगी साफ करता हूं। जी वंदे मातरम। चल बयान दर्ज कर अपना, जल्दी कर बोल। मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। सारी धंधा करते हो तुझे शर्म नहीं आती है? बोलते हो बहुत शर्म आ रही है, फटाफट से बोल, आगे और भी है। इन साली भेंदी टकियों को तो मन करता है उल्टा लटका के इनके पिछवाड़े में कैद करा दूंगी। अरे बोलती है कि तू कान के नीचे। मेरा नाम मीरा मीरा है। मैं मुंबई की कोल्हापुर की बस्ती की रहने वाली हूँ। हमारे हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए आए भी घर पे लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और उस दिन तो देखिए पानी सर से ऊपर हो चुका है, अगर जल्द से जल्द इनके कैंसर का इलाज ना किया गया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब आप कुछ भी कीजिए लेकिन इन्हें बचा लीजिए, इन्हें कल रात से होश नहीं है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। देखिए मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, लेकिन अब इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, उसके लिए कम से कम 3 लाख का बंदोबस्त। 3 लाख? डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं, हम गरीब इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन अगर इनकी जान बचानी पैसों का बंदोबस्त तो करना ही होगा। सारा मेकअप खराब कर दिया। वैसे तो तुझे मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, फिर रात चांद उल्टा कैसे निकल आया? अब रो क्यों रही है? पापा। मर गया क्या बुड्ढा? चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी पी पी के तेरी माँ का शरीर ही तो नोचता था। ए क्या देख रहा है, चल अपना काम कर, बारिश में लगा पड़ा है, हुआ नहीं क्या तेरा तब से, निकल चल। चुप करो,
मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। उनके ऑपरेशन के लिए कम से कम मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है। क्या तुम मुझे जल्दी से पैसे दे सकती हो? मैं एक एक रुपए लौटा दूंगी नीता। बोल तो ऐसे रहिए जैसे मैं अपने ब्लाउज के अंदर पैसे डाल के लाई हूँ। बहुत कड़की है बॉस। अगर तुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है तो तू मेरा बिजनेस ज्वाइन कर ले। ग्रोथ रेट भी अच्छा है। वैसे तो तुझे मैंने पहले भी बोला था, तब तो तू बड़ा। चल छोड़, तू चाहे तो मैं आज अपने कुछ क्लाइंट से तुझे मिलवा सकती हूँ। सोच क्या रही है, फटाफट से बोल, बाप की जान बचानी है कि नहीं? मैं तैयार हूँ। तो चल फिर मेरे साथ, अच्छे कपड़े वपड़े तो होंगे नहीं तेरे पास, चल मैं दे देती हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए एक नया माल लाई हूँ, एकदम फ्रेश पीस है मेरा। कहाँ रह गई? हाय हाय हाय, सब माल है। अरे कहाँ छुपा के रखा था इसको इन्हूर को? हाँ भाई, आज की रात तो क्या हसीन होने वाली है। मस्त आइटम है ना। चलो अब मैं चलती हूँ। बाप रे, बहुत वर्कलोड है। बाय बाय अंदू। चीयर्स कर ले भाई। अरे जा जल्दी। वैसे मैं तुझ जैसे धंधे वाली पे यकीन तो नहीं करता, पर पता नहीं क्यों मुझे तेरी कहानी सच्ची लग रही है। अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो फिर तू दोबारा इस धंधे में नहीं जानी चाहिए, चाहे कितनी भी मजबूरी हो जाए, तू किसी के पास ये सब करने नहीं जाएगी। किसी और के साथ नहीं, मतलब सिर्फ मेरे साथ। तू रोज रात मेरे पास आई, और चिंता मत कर, पुलिस वालों के घर कभी पुलिस रेड नहीं मारती। बोल, अगर मंजूर हो तो अभी छोड़ दूंगा तुझे। बोल।
बोल। तू चाहे तो मैं आज अपने कुछ लाइन से जो मिलवा सकता बाप की जान बचाने के लिए नहीं, बाप की जान बचाने के लिए नहीं। बोल। किसी और के साथ नहीं, मतलब सिर्फ मेरे साथ। बाप की जान बचाने के लिए नहीं। सुन, जा तो रही है, अगर ना आई ना तो तेरा और तेरी मां।